आजकल मैं बहुत दुविधा में रहता हूँ। मैं समझ नहीं पाता कि आज के टाइम में इंसान बेरोजगार बहुत ज्यादा है या फिर लोगों ने कंस्पिरेसी फैलाने को ही काम मानने लग गए हैं। इन बातों के लिए कहीं से फंडिंग मिलती है क्या? नहीं, मतलब अगर इतना मेहनत लगता है तो जाहिर सी बात है कि कुछ पैसे मिल जाए। खैर, आइए चर्चा करते हैं कुछ ऐसे बुद्धिजीवों के तथ्यों पर जो ये फैलाने पे लगे हुए हैं कि शिव पार्वती ही आदम और ईव हैं। एक टाइम पर तो मैं भी सोच में पड़ गया था कि भैया क्या ऐसा सच में है। शिव और पार्वती को आदम और हवा यानी कि ईव सिद्ध करने वाले मानते हैं कि ईडन गार्डन श्रीलंका में था। श्रीलंका आज जैसा द्वीप नजर आता है ये पहले ऐसा नहीं था। ये इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा और भारत से जुड़ा हुआ था। वे कहते हैं कि शिव और पार्वती भी कैलाश पर्वत से श्रीलंका रहने चले गए थे जब कुबेर ने उन्हें सोने की लंका बनवाकर दी थी। हजरत आदम जब आसमान की जन्नत से निकाले गए तो सबसे पहले हिंदुस्तान की जमीन पर ही उतारे गए। जहां उन्होंने सबसे पहला कदम रखा उसे आदम चोटी कहते हैं। बाप रे, इतनी मस्त कहानी जोड़ते हैं ना, मतलब टर्न्स एंड ट्विस्ट के साथ। ऐसा लगने लगता है कि अब्बास मस्तान इन्हीं से ट्रेनिंग लेकर के पिक्चर बनाते हो। सुनके तो मुझे भी लगता है कि भाई सच है क्या ऐसा। खैर, जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान शंकर को आदिदेव भी कहा जाता है। शंकर के दो पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। जैसा कि कहा गया है कि आदम के भी दो पुत्र थे, केन और हाबिल। केन बुरा और हाबिल अच्छा। कुछ विद्वानों का मानना है कि स्वयंभू, मनु और सतरूपा ही आदम और ईव थे। शिव का पहला विवाह राजा दक्ष की पुत्री सती से हुआ था जो आग में कूदकर भस्म हो गई थी। उनका दूसरा विवाह पर्वतराज हिमालय की पुत्री उमा से हुआ था जिन्हें पार्वती कहा जाता है। पार्वती से भी उन्हें एक पुत्र मिला। प्रमुख रूप से शिव के दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई ये सभी जानते हैं। ये शिव और पार्वती के मिलन से नहीं जन्मे थे। शिव के दूसरे पुत्र कार्तिकेय का जन्म शिव और पार्वती के मिलन से हुआ था। शिव का तीसरा पुत्र था जिसका नाम विद्वकेश था। ये एक अनाथ बालक था जिसे शिव और पार्वती ने पाल पोस कर बड़ा किया था। इसका नाम इन्होंने फिर सुकेश रखा था। शिव जी का एक चौथा पुत्र था जिसका नाम जलांधर था। इससे जलांधर उत्पन्न हुआ जो शिव का सबसे बड़ा दुश्मन बना। इस तरह शिव के कई पुत्र थे जैसे कि अंधक, शाश्वत, भूमा और खुजा। शिव की कथा और आदम और ईव की कथा जरा सा भी मेल नहीं खाती है। दुनिया के पहले इंसान के संदर्भ में सभी धर्मों की मान्यताएं अलग अलग है। ईसाई धर्म और इस्लाम में आदम और हवा यानी कि ईव, जैन धर्म में ऋषभ देव, लेकिन बौद्ध धर्म में विशेष रूप से पहले इंसान का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। ये सभी कथाएं अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप ही पहले इंसान और उसके अस्तित्व, उसके जीवन के प्रारंभिक पहलुओं को दर्शाती है। वैसे आपका इस पर क्या ओपिनियन है बताइएगा जरूर।